बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमान अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम असदुल्लाह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फिजिक्स एट डीपीएस एन इंटर कॉलेज साहिवाल आई वेलकम यू ऑल टू आवर डिजिटल क्लासेस लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेसन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर लेते हैं इसमें सबसे पहले फ्रिक्शन द फोर्स दैट ऑपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव करती है तो उसकी मोशन को ओपोज करने के लिए जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उस फोर्स को नाम देते हैं फ्रिक्शन का मिसाल के तौर पे जब हम किसी बॉल को पुश करके किसी सरफेस के ऊपर मूव करवाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए वो स्लो डाउन होता जाता है और कुछ देर के बाद रुक जाता है जब बॉल स्लो डाउन हो रहा था तो इसका मतलब है कि को कोई ऐसी फोर्स मौजूद थी जो उसकी मोशन को अपोज कर रही थी उसको रुकने पे मजबूर कर रही थी तो वो फोर्स जो उसकी मोशन को अपोज कर रही थी उस फोर्स को नाम देते हैं फ्रिक्शन का कोल्ड वेल्ड द्वार बिटवीन दू सर्फेस आर कार्ड कोल्ड वेल्ड जब किसी बॉडी को किसी दूसरी सरफेस के ऊपर या किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करवाते हैं तो उन दोनों सर्फिस के कुछ पॉइंट्स आपस में कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उन सर्फिस के जो पॉइंट आपस में कॉन्टेक्ट में होते हैं उन पॉइंट्स को नाम देते हैं कोल्ड वेल्ड का फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रही होती है तो उसकी मूवमेंट के दौरान एक अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसे फ्रिक्शन कहते हैं उस फ्रिक्शन की एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू होती है यानी उस मैक्सिमम वैल्यू से वो वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती तो वो जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको नाम देते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जिसे हम एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं हमारा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स रिजिस्टिंग द मोशन व्हेन ए बॉडी रोल्स ऑन अ सरफेस जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है तो उसकी रोलिंग के दौरान उस पर जो अपोजिंग फोर्स लग रही होती है जो उसकी मोशन को अपोज कर रही होती है रिजिस्ट कर रही होती है उस अपोजिंग फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स को नाम देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक व्हील है जिसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं व्हील इस पुश के नतीजे में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उस व्हील पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है जिसे हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं चूंकि ये व्हील इस सरफेस के ऊपर रोल करता हुआ आगे जा रहा है जो फ्रिक्शन इसकी मोशन को रिजिस्ट कर रही है उस फ्रिक्शन को नाम देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन का एक बास्केट बॉल है जब हम इसको पुश करेंगे ये इस सरफेस के ऊपर रोल करता हुआ आगे तरफ मूव करेगा इसकी मोशन को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसे फ्रिक्शन का नाम देते हैं चूंकि ये बॉल रोल करते हुए आगे जा रही है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी मोशन को अपोज कर रही है उसको नाम देंगे रोलिंग फ्रिक्शन का साइकिल है इसके दो व्हील्स हैं जब हम इसको आगे की तरफ मूव करवाते हैं इसके दोनों व्हील रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इन दोनों व्हील्स पे जो फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी उसको हम नाम देंगे रोलिंग फ्रिक्शन का व्हील इंसानी तारीख में एक अहम तरीन इन्वेंशन थी व्हील के इजाद होने से पहले जब हमने किसी बॉडी को किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता था तो हम उस बॉडी को सरफेस के ऊपर ड्रैग करते थे और उसके ड्रैग करने के नतीजे में हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती थी आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि जब हम किसी बॉडी को दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको नाम देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन का और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि एक आदमी है जो एक बॉक्स को सरफेस के ऊपर स्लाइड करवा रहा है उसे इस बॉक्स को आगे की तरफ धकेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है फोर्स क्यों ज़्यादा लगानी पड़ रही है क्योंकि ये बॉक्स इस सर्फेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है और स्लाइडिंग के नतीजे में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है जो इस बॉक्स की फॉरवर्ड मोशन को अपोज कर रही है जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी हमें उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अगर हम इसी बॉक्स के नीचे व्हील लगा दें तो क्या होगा कि हम कम फोर्स की मदद से इस बॉक्स को आगे की तरफ धकेल सकेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है जितनी ज्यादा फोर्स हमें यहां स्लाइडिंग के नतीजे में लगानी पड़ रही थी उससे कहीं कम इकदार में फोर्स लगा के हम इस बॉक्स को व्हील्स की मदद से आसानी आगे की तरफ मुंतकिल कर सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि एक सूट बैग है उसके नीचे व्हील लगा हुआ है अगर इस सूट बैग के अंदर काफी ज्यादा सामान हो तो हमें इस बैग को आगे की तरफ मूव करवाने के लिए इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती क्योंकि इसके नीचे व्हील लगा हुआ है और वो व्हील जमीन के सरफ़ेस के साथ रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है तो हम कम फोर्स लगा के भी इस बैग को आगे की तरफ मूव करवा सकते हैं सपोज करें अगर इस सूट बैग के नीचे व्हील ना लगे होते टायर ना लगे होते तो फिर हमें इस बैग को आगे की तरफ मूव करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़नी थी जब किसी व्हील के एक्सल को पुश किया जाता है व्हील को आगे की तरफ एक पुश प्रोवाइड की जाती है तो जिस पॉइंट पे व्हील जमीन के साथ कॉन्टेक्ट में होता है उस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे एक रिएक्शन की फोर्स लग रही होती है वो रिएक्शन की फोर्स उस व्हील के डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लग रही होती है जब व्हील आगे की तरफ मूव कर रहा है तो जिस पॉइंट पे वो जमीन के साथ कॉन्टेक्ट में होगा उस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे एक रिएक्शन की फोर्स लग रही होगी जो कि उस व्हील की डायरेक्शन ऑफ़ मोशन के ऑपोजिट होगी यहां पे हम देख रहे हैं कि जब हमने व्हील को आगे की तरफ पुश प्रोवाइड की व्हील रोल करता हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो व्हील जिस पॉइंट पे जमीन के साथ कॉन्टेक्ट में होगा उस कॉन्टेक्ट के पॉइंट पे एक रिएक्शन की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी जिसे हम फ्रिक्शन की फोर्स का नाम देते हैं अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उस अप्लाइड फोर्स को रिएक्ट करने के लिए अपोज करने के लिए एक रिएक्शन की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और हमने कोल्ड वेल्ड्स के बारे में पढ़ा कि कोल्ड वेल्ड्स क्या होते हैं दो सर्विस के दरमियान जो कॉन्टेक्ट के पॉइंट्स होते हैं हम उनको कोल्ड वेल्ड्स का नाम देते हैं और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है उसके कम होने की वजह क्या है जब व्हील किसी सरफेस के ऊपर रोल करता है तो वो उन कोल्ड वेयर्स को रप्चर नहीं करता यानी वो कोल्ड वेयर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता उन कोल्ड वेयर्स को खराब नहीं करता जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी कम होती है और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट दो बॉडीज़ के दरमियान कम से कम होगा तो उस सूरत में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी यहां पे हम देख रहे हैं कि जो व्हील का और जमीन का कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट कम है यानी व्हील का सिर्फ ये वाला हिस्सा इस सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है और बाकी सारा जो हिस्सा है वो कॉन्टेक्ट में नहीं है तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम होने की वजह से फ्रिक्शन की फोर्स कम होगी क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है यही प्रोसीजर हम बॉल बैरिंग्स में इस्तेमाल करते हैं बाल बैरिंग्स में क्या होता है कि बॉल्स यूज होती हैं ये बॉल्स इस सरफेस के साथ रोल कर रही होती हैं अगर ये बॉल्स ना होती तो ये इस बॉल बैरिंग का ये वाला हिस्सा इस ऊपर वाले हिस्से के साथ स्लाइड करना था जिसकी वजह से फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होनी थी और एनर्जी का लॉस ज़्यादा होना था तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये इनर रेस है और ये आउटर रेस है इन दोनों के दरमियान हम स्टील के बॉल यूज़ करते हैं जो कि इन दोनों रेसिस के दरमियान रोल करते हैं इनकी इस रोलिंग के नतीजे में फ्रिक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाती है और बॉल बैरिंग्स को हम डिफरेंट मशीन्स में यूज़ करते हैं डिफरेंट व्हीकल्स में यूज़ करते हैं इन बॉल बैरिंग्स की वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो जाती है हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी को जब हमने मूव करवाना होता है तो उसके मूव करवाने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लाजमी रिक्वायर होती है अगर ज़मीन और व्हील के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो हम जब उस व्हील को पुश करेंगे तो उस पुश के नतीजे में वो व्हील रोल नहीं करेगा उस व्हील के ज़मीन पे रोल करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लाजमी रिक्वायर है अक्सर आपने देखा होगा कि किसी सरफेस पे जब पानी फेंका हुआ हो या कोई सरफेस स्लिपरी हो तो उस स्लिपरी सरफेस पे चलते हुए काफी मुश्किल पेश आती है उस मुश्किल पेश आने की वजह क्या है कि उस सरफेस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम होती है और आपने ये भी देखा होगा कि वेट या स्लिपरी रोड पे जब गाड़ी को मूव करवाते हैं तो गाड़ी उस रोड पे स्लिप करती है गाड़ी की स्लिपिंग होना शुरू हो जाती है उस स्लिपिंग की वजह क्या है कि गाड़ी के टायर और ज़मीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम होती है उस फ्रिक्शन के कम होने की वजह से गाड़ी का जो टायर है वो अच्छे तरीके से रोल नहीं कर पाता रोल ना करने के नतीजे में गाड़ी उस वेट रोड पे स्लिप होना शुरू हो जाती है और इसी स्लिपिंग के चांस को कम करने के लिए हम व्हीकल्स के टायर्स के ऊपर थ्रेडिंग करते हैं उस थ्रेडिंग का फ़ायदा क्या होता है के थ्रेडिंग के नतीजे में जो टायर की ग्रिप होती है रोड पे वो काफी अच्छी हो जाती है अगर हम टायर्स के ऊपर थ्रेडिंग ना करें टायर्स की जो ऊपर वाली सरफेस में बॉडी को सरफेस के ऊपर रोल करने में काफी मुश्किल आएगी बार बार गाड़ी स्लिप हो जाएगी गाड़ी अच्छे तरीके से सड़क पे नहीं चल सकेगी अक्सर ने बाईसाइकिल चलाई होगी हम बाइक को चलाने के लिए पैडल्स का यूज़ करते हैं जब तक हम पैडल्स पे फोर्स लगाते जाते हैं तब तक साइकिल चलती जाती है उस सूरत में जो साइकिल के व्हील्स हैं वो रोल कर रहे होते हैं उसकी मोशन जो होती है वो रोलिंग मोशन होती है लेकिन जैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक से अप्लाई करना शुरू करते हैं ब्रेक से अप्लाई करने के दीजे में क्या होता है साइकिल आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाती है उसके रुकने की वजह क्या है कि जब तक हमने ब्रेक्स नहीं लगाए थे तो साइकिल के जो व्हील थे उनकी मोशन रोलिंग मोशन थी लेकिन जैसे ही हमने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू किए साइकिल के व्हील्स का जो ज़मीन के साथ कॉन्टेक्ट था वो बढ़ना शुरू हो गया यानी उसकी मोशन रोलिंग के बजाय स्लाइडिंग हो गई तो उस स्लाइडिंग के नतीजे में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी जब फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो बाइसिकल रुक जाएगी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग एंड स्कीडिंग ये दोनों टर्म्स फ्रिक्शन से रिलेटेड हैं इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स फ्रिक्शन से किस तरह रिलेट करती हैं जब कोई व्हील आगे की तरफ मूव कर रहा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उसकी मोशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं यानी उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक कंपोनेंट मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग दी रोड और दूसरा रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देर एक्सिस एक तो हम ये देखते हैं कि जब व्हील पे हमने कोई फोर्स लगाई पुश लगाई तो वो व्हील रोल करता हुआ आगे की तरफ जाता है यानी उस व्हील में ट्रांसलेशनल मोशन है और दूसरी मोशन कौन सी है व्हील अपने एक्सेस के गर्द रोटेट करता जाता है यानी एक मोशन अलोंग दी रोड जिसे हम ट्रांसलेशनल मोशन का नाम देते हैं यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर, कर रहा है और दूसरी मोशन टायर अपने एक्सेस के गर्द रोटेटरी मोशन कर रहा होता है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस व्हील के सेंटर में से जो लाइन पास कर रही है उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं और ये टायर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट कर रहा है हमें किसी बॉडी को मूव करवाना हो या किसी बॉडी को स्टॉप करना हो इन दोनों सूरतों में हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत होती है अगर किसी व्हीकल के टायर्स के दरमियान और रोड के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो तब गाड़ी मूव नहीं कर सकती और अगर एक मूविंग बॉडी है हमने उसे स्टॉप करवाना है तो उसके स्टॉप करवाने के लिए भी टायर्स और रोड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है आपने अक्सर देखा होगा कि बर्फ़ानी इलाक़ों में जहां पे बर्फ़ पड़ती है वहां पे रोड के ऊपर बर्फ जम जाती है जब कोई गाड़ी उस रोड के ऊपर चलती है तो वो रोल करने बजाए के बजाय उस रोड के ऊपर स्लिप होना शुरू हो जाती है उस स्लिप होने की वजह क्या है हम जानते हैं कि बॉडी का रोल करने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है और स्लिपरी रोड पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो जाती है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कम होने की वजह से गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोल करने के बजाय उस जगह से स्लिप हो जाती है यानी गाड़ी जब रोल नहीं करेगी तो गाड़ी के टायर का वो पॉइंट जो जमीन के साथ कॉन्टेक्ट में होगा गाड़ी उस पॉइंट से स्लिप होके आगे की तरफ चले जाएगी और अगर गाड़ी के टायर्स ख़राब हैं काफ़ी हद हाँ तक घिस चुके हैं यानी उनके ऊपर से थ्रेडिंग ख़त्म हो चुकी है तो उस थ्रेडिंग के ख़त्म होने की वजह से उनके आउट होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कम होने की वजह से वो टायर्स रोड के ऊपर रोल करने के बजाय स्लिपिंग स्टार्ट कर देंगे स्लिपिंग के नतीजे में गाड़ी अपने असल रस्ते से हट जाएगी और अगर कोई व्हीकल किसी ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है तो गाड़ी उस एक पॉइंट पे स्लिपिंग स्टार्ट कर देगी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी है जो कि किसी कीचड़ वाली जगह में फंस चुकी है और आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई व्हीकल किसी ऐसी जगह पे फंस जाती है जहाँ पे रोड स्लिपरी हो यानी कीचड़ मौजूद हो तो गाड़ी रोल करने के बजाय आगे मूव करने के बजाय उसी एक जगह पे रोटेट करती रहती है स्लिपिंग करती रहती है उस स्लिपिंग की वजह क्या होती है कि टायर और उस कीचड़ वाली जगह के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम होती है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सड़क के ऊपर आइस मौजूद है बर्फ़ मौजूद है यानी रोड स्लिपरी हो चुका है तो उस रोड के स्लिपरी होने की वजह से टायर्स और रोड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो गाड़ी रोल करने के बजाय इस रोड के ऊपर स्लिप हो जाएगी स्लिप होके वो अपने असल रस्से से हट जाएगी जैसे हमने पढ़ा कि किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत होती है इसी तरह जब किसी बॉडी को स्टॉप करना हो किसी बॉडी को रोकना हो तो उस बॉडी के रोकने के लिए भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत होती है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर्स और रोड्स के दरमियान प्रोड्यूस हो रही होती है उसकी एक लिमिट होती है यानी उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है एक लिमिट होती है अगर एक गाड़ी किसी रोड के ऊपर मूव कर रही है और अचानक हम ब्रेक्स को स्ट्रांगली अप्लाई करते हैं बहुत सख्त तरीके से अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो गाड़ी के व्हील्स होंगे वो रोल करना बंद कर देंगे यानी वो लॉकअप हो जाएंगे और गाड़ी का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा यानी गाड़ी अगर मूव कर रही है उसका कुछ ना कुछ मैस है उसकी व्हीलॉसटी है तो उसका मोमेंटम भी होगा जब हमने स्ट्रांगली ब्रेक से अप्लाई की तो स्ट्रांगली ब्रेक से अप्लाई करने की वजह से जो गाड़ी के व्हील्स होंगे वो रोल करना बंद कर देंगे यानी टायर्स लॉकअप हो देंगे और गाड़ी अपने मोमेंटम की वजह से स्किड कर जाएगी यहाँ पे आप देख रहे हैं रेसिंग कार है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आ रही थी उसकी अचानक स्ट्रॉन्गली ब्रेक से अप्लाई की तो गाड़ी अपने असल रास्ते से हट गई उसकी हटने की वजह क्या है कि जब इस गाड़ी की ब्रेक से अप्लाई की गई तो गाड़ी के जो टायर्स थे वो लॉकअप हो गए यानी उन्होंने रोलिंग मोशन बंद कर दी रोलिंग मोशन जब बंद हो गई तो गाड़ी अपने मोमेंटम की वजह से स्किड कर जाएगी यानी वो रोड के साथ स्लाइडिंग मोशन शुरू कर देगी और गाड़ी स्कीड कर जाएगी स्कीड करने के नतीजे में गाड़ी का जो कंट्रोल होगा वो खत्म हो जाएगा यानी गाड़ी अपने मोमेंटम की वजह से एक बेतरतीब तरीके से रोड के ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगी जब गाड़ी का कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है तो अगर हम चाहते हैं कि गाड़ी स्कीड ना करे तो उसके लिए चाहिए कि जो गाड़ी की ब्रेक्स हैं वो इतनी ज़्यादा सडनली ना अप्लाई की जाएं बल्कि आहिस्ता आहिस्ते अप्लाई की जाएं अगर हम सडनली अप्लाई करेंगे तो गाड़ी के टायर्स रोलिंग मोशन को स्टॉप करके स्कीड कर जाएंगे तो स्कीडिंग के चांसेस को कम करने के लिए ज़रूरत है कि गाड़ी के ब्रेक्स को इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली ना अप्लाई किया जाए बल्कि आहिस्ता आहिस्से अप्लाई किया जाए और अगर गाड़ी की स्पीड काफ़ी हाई है तो उस दौरान ब्रेक से अप्लाई करने में एहतियात करनी चाहिए अगर सडनली ब्रेक से अप्लाई करेंगे तो गाड़ी के उलट जाने का खतरा होता है और अगर हम ऐसी गाड़ी को मूव करवाएं जिसके टायर वॉर्न आउट हुए हुए हैं घिसे हुए हैं तो उस सूरत में भी गाड़ी को चलाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है क्योंकि वार्न आउट टायर्स की रोलिंग मोशन कम होगी और वो रोड पे स्लिप कर देंगे रोड पे स्कीड कर जाएंगे नेक्स्ट फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं यानी फ्रिक्शन का अगर कोई हमें फ़ायदा है तो फ्रिक्शन के कुछ ना कुछ नुकसान है। भी हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं आइए हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को स्टडी करते हैं फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब हम किसी गाड़ी को हायर स्पीड से मूव करवाते हैं तो गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है गाड़ी के सराउंडिंग में एयर मौजूद है तो उस एयर की तरफ से उस गाड़ी पे एक अपोजिंग फोर्स लगेगी जो कि उस गाड़ी की स्पीड को लोअर करने की कोशिश करेगी वो जो फोर्स लग रही होगी एयर की तरफ से उसे हम एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन कहते हैं उस एयर रेजिस्टेंस के नतीजे में जब अपोजिंग फोर्स लगेगी तो वो गाड़ी की स्पीड को इफ़ेक्ट करती है और जब हम मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो मशीनरी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रब कर रहे होते हैं यानी उनकी रबिंग के नतीजे में फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो हीट और साउंड की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है यानी जो हमारी यूज़फुल एनर्जी होती है वो हीट और साउंड की फॉर्म में ज़ाया हो जाती है और मशीनरी के डिफरेंट पार्ट्स के आपस में रब करने की वजह से फ्रिक्शन की वजह से उनके जो पार्ट्स होते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं और अक्सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो मशीनरी के पुर्जा होते हैं वो टूट भी जाते हैं अगर फ्रिक्शन के नुकसान नुकस हैं तो उसके कुछ ना कुछ फ़वाद भी हैं बजह पर हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन मौजूद ना हो लेकिन बाज़ जगहों पर फ्रिक्शन का होना लाजमी है अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो हम पेंसिल की मदद से पेपर के ऊपर नहीं लिख सकते अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी और पेंसिल की मदद से हम पेपर के ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे तो वो पेंसिल उस पेपर के ऊपर स्लिप होना शुरू हो जाएगी यानी पेंसिल की मदद से पेपर के ऊपर नहीं लिखा जाएगा अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो और दूसरा हमें जमीन पे चलने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद ना हो और हम अपने पाओं की मदद से जमीन को पीछे की तरफ पुश करेंगे तो हमारा पाओ पीछे की तरफ स्लाइड कर जाएगा और हम स्लिप हो जाएंगे और दूसरी फिगर में आप देख रहे हैं कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होगी और हम अपने पाओ की मदद से जमीन को पीछे की तरफ पुश करेंगे तो उस पुश को अपोज करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और हम इस रोड पे बसानी चल सकेंगे आपने देखा होगा कि जब स्लिपरी ग्राउंड पे आप चलने की कोशिश करते हैं तो स्लिपरी ग्राउंड पे आसानी से नहीं चला जाता उसकी वजह क्या है कि आपके पाँव और जमीन के दरमियान जो चलने के लिए फोर्स ऑफ फिक्शन चाहिए वो मौजूद नहीं है फोर्स ऑफ फिक्शन के मौजूद ना होने की वजह से उस सरफेस पे आसानी से नहीं चला जाता और हम, हम बाज़ा गिर भी जाते हैं जमीन पे चलने के लिए हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लाजमी चाहिए है। क्योंकि जो स्लिपरी ग्राउंड होता है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होती है यहां पे आप देख रहे हैं कि आप, आप अपने पाओं की मदद से जमीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं जमीन इस बैकवर्ड फोर्स को अपोज करने के लिए आगे की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसे फ्रिक्शन का नाम देते हैं तो अगर हम किसी स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे तो हम गिर सकते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पाँव और ज़मीन के दरम्या कम है और अगर हम किसी स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर अचानक से ब्रेक्स लगाएंगे किसी व्हीकल की तो स्लिपरी ग्राउंड पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हीकल के रोकने के लिए बहुत कम है तो वो बॉडी उस सरफेस के ऊपर उस रोड के ऊपर नहीं रुकेगी बल्कि स्लिप हो जाएगी तो अगर हम किसी स्लिपरी रोड के ऊपर व्हीकल को मूव करवा रहे हैं तो हमें चाहिए कि उस रिप्री के ऊपर बेक्स को सडनली अप्लाई ना किया जाए और दूसरा फ्रिक्शन का फायदा यह है कि जो परिंदे होते हैं वो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से उड़ने के काबिल होते हैं अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो परिंदे हवा में नहीं उड़ सकते इस फिगर में आप देख सकते हैं कि परिंदे अपने परों की मदद से हवा पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को अपोज करने के लिए या रिएक्शन फोर्स के नतीजे में एक फोर्स हवा की तरफ से ऊपर की तरफ लगेगी जिसकी वजह से ये परिंदे उड़ने के काबिल होते हैं अगर ये एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो तो परिंदे हवा में नहीं उड़ सकते तो बाज हालात में हमें फ्रिक्शन की फोर्स की ज़रूरत होती है और बाद हालात में हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम से कम मौजूद हो नेक्स्ट फ्रिक्शन को कम करने के तरीके हैं यानी किन किन तरीकों से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं तो फर्स्ट जो मेथड है वो मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेस स्मूथ अगर हमने किसी बॉडी को किसी दूसरी सर्फेस के ऊपर स्लाइड करवाना है और हम ये चाहते हैं कि वो बॉडी उस सर्फेस के ऊपर बिल्कुल स्मूथली फ्लो करे तो हमें उस स्लाइडिंग सर्फेस को बिल्कुल स्मूथ बनाना होगा यानी जो उसके ऊपर बम्प्स और पिट्स मौजूद हैं हमें उनको खत्म करना होगा जब वो बम्प्स और पिट्स काफी हद तक कम हो जाएंगे तो वो जो सरफेस होगी उसकी जो फ्रिक्शन होगी तो वो काफी हद तक कम हो जाएगी और हम बॉडी को उस सरफेस के ऊपर स्मूदली फ्लो करवा सकेंगे नेक्स्ट मेथड है मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अस्टीम लाइन शेप यानी फिश शेप सच एज कार्स एरोप्लेन एक्सट्रा

कम हो जाती है यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि एक ट्रेन है जिसकी शेप हमने स्टीम लाइन की हुई है उस स्टीम लाइन शेप के नतीजे में क्या होगा कि इसके ऊपर से जो हवा का फ्लो होगा वो स्मूद होगा स्मूद फ्लो के नतीजे में इस ट्रेन पे एक की तरफ से जो रेजिस्टेंस लग रही होगी जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक कार है जिसकी शेप स्टीम लाइन है उस स्टीमलाइन शेप के नतीजे में जो एयर का उस कार के ऊपर से फ्लो है वो स्मूद है उस स्मूद फ्लो के नतीजे में जो एयर फ्रिक्शन इस गाड़ी के ऊपर लग रही है वो काफी हद तक कम हो गई है और गाड़ी हाई स्पीड पे स्मूदली फ्लो कर सकती है यहां पे आप देख सकते हैं कि एक दूसरी गाड़ी है जिसके ऊपर से जो एयर का फ्लो है वो स्मूद नहीं है यानी इसकी जो शेप है वो स्टीम लाइन नहीं है जो एयर की तरफ से इस गाड़ी पे फ्रिक्शन लग रही होगी वो इस गाड़ी के मुकाबले में काफी ज्यादा होगी और हाई स्पीड पे जो इस गाड़ी पे एयर की तरफ से फ्रिक्शन लगेगी वो काफी ज्यादा होगी तो गाड़ियों की शेप को स्टीमलाइन करके जैसे कार्स हैं एरोप्लेन हैं, इनकी शेप्स को अगर हम स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं तो इन पे लगने वाली एयर फ्रिक्शन को काफी हद हाँ तक कम किया जा सकता है थर्ड है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्विस अगर हम दो स्लाइडिंग सर्फिस के दरमियान लुब्रिकेट यूज कर लेते हैं जैसे ऑयल ग्रीस है तो उस लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस को यूज करने के नतीजे में जो सर्फिस के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है अक्सर आपने देखा होगा कि मशीनी के जो पार्ट्स होते हैं उनके दरम्यान हम ऑयल लगा देते हैं या कोई दूसरा लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस लगा देते हैं तो उनकी जो वर्किंग होती है वो काफ़ी स्मूद हो जाती है काफ़ी अच्छी हो जाती है फोर्थ है यूजिंग बॉल बैरिंग्स और रोलर बैरिंग्स बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बॉल बैरिंग्स या रोलर बैरिंग्स को यूज करके हम फ्रिक्शन की वैल्यू को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं हम जानते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी कम होती है तो हम बॉल बैरिंग्स को यूज करके फ्रिक्शन की वैल्यू को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉल मौजूद हैं स्टील के तो ये बॉल बैरिंग है और यहाँ पे हमने बॉल्स की जगह पे रोलर यूज किए हैं तो ये रोलर बैरिंग है इनको हम मशीनरी के डिफरेंट पार्ट्स में यूज करके फ्रिक्शन को काफी हद तक कम कर सकते हैं जो हमने टॉपिक्स पढ़े उनको हम समराइज कर लेते हैं पहले हमने रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ा यानी जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करेगी तो उसकी रोलिंग मोशन को ओपोज करने के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी उसे हम नाम देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन का फिर हमने ब्रेकिंग एंड स्कीडिंग को पढ़ा हमें इसमें पढ़ा कि किसी बॉडी को अगर हमने मूव करवाना है या किसी बॉडी को स्टॉप करवाना है तो दोनों सूरतों में हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लाजमी चाहिए अगर कोई ऐसा रोड है जो स्लिपरी है जिसपे कीचड़ मौजूद है और उस पर हम गाड़ी को मूव करवाते हैं तो गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कम होने की वजह से बॉडी रोल करने के बजाय उस रोड पे स्लिप करना शुरू कर देती है स्किड करना शुरू कर देती है और फिर हमने पढ़ा जब किसी व्हीकल की ब्रेक्स को स्ट्रांगली अप्लाई किया जाए तो ब्रेक्स को स्ट्रांगली अप्लाई करने के नतीजे में गाड़ी के जो टायर्स होते हैं वो रोलिंग मोशन बंद कर देते हैं रोलिंग मोशन बंद होने के नतीजे में गाड़ी अपने मोमेंटम की वजह से स्कीड करना शुरू कर देती है फिर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े यानी अगर फ्रिक्शन के फायदे हैं तो बहुत जगह पे फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं हमने देखा कि हमें जमीन पे चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो हम पेंसिल की मदद से पेपर के ऊपर नहीं लिख सकते अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो परिंदे हवा में नहीं उड़ सकते डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े कि फ़्रिक्शन की वजह से जो मशीनरी के पुर्जाजा होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं जल्दी घिस जाते हैं या बाज़ वो टूट भी जाते हैं फिर हमने मेथड्स पढ़े कि फ्रिक्शन को हम किन किन मेथड्स की मदद मतलब से रिड्यूस कर सकते हैं पहला था कि किसी स्लाइडिंग सरफेस को हम स्मूथ बना के फ्रिक्शन की वैल्यू काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं फिर हमने पढ़ा कि जो व्हीकल्स हैं जैसे कार्स हैं एरोप्लेन्स हैं उनकी शेप को स्टीम लाइन बना के हम फ्रिक्शन की वैल्यू को काफी हद तक कम कर सकते हैं और तीसरा मेथड हमने पढ़ा कि जो स्लाइडिंग सर्वसेज हैं उनको लुब्रिकेट करके उनके दरम्यान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और फिर हमने पढ़ा कि रोलर बैरिंग्स या बॉल बैरिंग्स को यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं होम असाइनमेंट के लिए आपको एम सी क्यूज की बनाए फर्स्ट एम सी क्यू है दिक्शन एक्स इन अ डायरेक्शन डैश टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन सेम सेकेंड ऑप्शन ऑपोजिट थर्ड ऑप्शन परपेंडिकुलर और फोर्थ ऑप्शन डाउनवर्ड्स सेकेंड एम सी है रोलिंग फ्रिक्शन इज Dash then sliding friction. First option smaller. Second option greater. Third option both A and B. Fourth option none. Third MCQ hai. Lubricants are kind of substances that First option increase friction. B option decrease friction. Third option keep the friction same. फोर्थ ऑप्शन नन हमने फिक्शन को कम करने के जो तरीके पढ़े हैं उसमें हमने देखा था कि हम मशीन के पोसों के दरमियान लुब्रिकेंट्स को यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट्स का फंक्शन क्या होता है टॉपिक को स्टडी करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को चूज करें फोर्थ एम सी क्यू है असाइकलिस्ट कीप्स ऑन टू ओवरकम ऑप्शंस हैं इनर्शिया वेलोसिटी पोजीशन और फिक्शन जो साइकिल होता है वो पेडलिंग करता जाता है किस चीज़ पे ओवरकम करने के लिए टॉपिक को स्टडी करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को चूज करें नेक्स्ट होम असाइनमेंट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन वेट मार्बल फ्लोर यानी वेट मार्बल फ्लोर ऊपर चलना मुश्किल क्यों होता है हम इसके बारे में टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वाई इज इट ईजियर फॉर द फिश टू स्विम इन वाटर हमने मेथड्स पढ़े फिक्शन को कम करने के उसमें हमने देखा था कि जब हम किसी शेप को स्टीम लाइन बना लें यानी फिश की शेप जैसा बना लें तो उस सूरत में फिक्शन की वैल्यू को काफ़ी हद हाँ तक कम कर सकते हैं उस तो टॉपिक को स्टडी करके इस क्वेश्चन का आंसर दें थर्ड है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रफ एंड स्मूथ सर्विसज डेली लाइफ में से ऐसी सर्विस के एग्जांपल दें जो रफ़ हैं और स्मूथ हैं यानी कुछ एग्जांपल्स रफ सर्विस के दें और कुछ एग्जांपल्स स्मूथ सर्फेस की फोर्थ है वाई इज इट इजी टू रोल अ सिलेंडिकल इरेजर ऑन अ पेपर शीट देन टू स्लाइड इट यानी किसी सिलेंडिकल इरेजर को किसी सर्फेस के ऊपर रोल करना स्लाइड करने के मुकाबले में आसान क्यों है फिफ्थ है डू वी रोल और स्लाइड द इरेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आवर नोटबुक तो जब हम इरेजर की मदद से पेंसिल वर्क को रिमूव करते हैं तो हम इरेजर को स्लाइड करते हैं या रोल करते हैं तो फ्रिक्शन वाले टॉपिक्स को अच्छी तरह स्टडी करने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर दें